हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लेक्सिकल एनालिसिस, और इस वीडियो में हम लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फेजेस ऑफ कंपाइलर में क्या बताया था कि लेक्सिकल एनालिसिस जो सबसे पहला फेज है वो एक्चुअल में इनपुट के तौर पर क्या लेता है, वो इनपुट के तौर पे लेता है स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स। जो भी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं उसको एज ए क्या लेता है, वो स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स के तौर पे उठाएगा, और हर एक करेक्टर को, हर एक वैल्यू को वो कन्वर्ट करता है किसमें, टोकन्स में। मतलब वो आउटपुट क्या देता है, टोकन्स को आउटपुट एज ए देता है। तो यहां पे इसको हम टोकनाइजेशन भी बोल देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को। और जो प्रोसेस, जो प्रोग्राम एक्चुअल में टोकन्स में डिवाइड कर रहा है ना, उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, लेक्सर भी बोल देते हैं, टोकनाइजर भी बोल देते हैं, स्कैनर भी बोल देते हैं। गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि वहां पे आ जाते हैं थ्योरी में, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो, टोकनाइजेशन में हम कर क्या रहे हैं, हम टोकन्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को। तो टोकन्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफायर क्या है, जो एक्चुअल में प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है। आइडेंटिफायर्स क्या है, जो एक्चुअल में प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन कर रहा है, जैसे एक्स वाई ए बी इंट ए इंट वाई, वो जो एक्स वाई वेरिएबल्स जो है ना, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ आइडेंटिफायर। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेपरेटर, पंक्चुएटर्स, जो हमारा जैसे ये ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज, ये सारी ब्रेसिस जो हम डिवाइड, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास कीवर्ड्स, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जैसे आपका इंट ले लो यहाँ पे, इसके अलावा मेन ले लो, या फिर ऑटो हो गया, ठीक है, इफ एल्स हो गया, वाइल हो गया, ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं क्या, कीवर्ड्स। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेटर्स आर लाइक यूर दिस, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ऑपरेटर्स। फिर कॉन्स्टेंट, या जिनको हम लिटरल्स बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब जैसे ये देखो ना, यहाँ पे मैंने यूज किया 20, 30, ट्रू फॉल्स भी हम कई बार लॉजिकल यूज कर लेते हैं, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट। और फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स लाइक एम्परसेंट हम यूज करते हैं, या डॉलर अगर हम कहीं पे यूज कर रहे हैं, या कोई भी स्पेशल करेक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो दैट विल कम इन दिस। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को उठाएगा एज ए इनपुट उठाएगा, एक एक करके उसको क्या करेगा, टोकन्स में डिवाइड कर देगा, और टोकन्स की कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ए और बी कहाँ चले जाएंगे, ए और बी आपके आइडेंटिफायर्स में आ जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सेपरेटर में देखो ये ओपन ब्रेसिस, क्लोज हो गया, ये करली हो गया, ये सारे आपके एक तरह से सेपरेटर में। कीवर्ड में कौन सा आ जाएगा, कीवर्ड में आपका आ गया इंट आ गया, इफ आ गया, रिटर्न आ गया, एल्स आ गया, मेन आ गया, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड। ऑपरेटर में देखो ये लेस देन आ गया, या असाइनमेंट वाला इक्वल टू आ गया, ये सारे आपके कहीं ना कहीं आ जाएंगे ऑपरेटर में। कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वैल्यूज हम दे रहे हैं जैसे 20, 30, ये आपकी कांस्टेंट। और स्पेशल करेक्टर यहां पे हम कोई यूज कर रहे हैं, स्पेशल हम यहां पे कोई यूज नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ कैटेगराइजेशन ऑफ द टोकनाइजेशन। और यहां पे जितने भी आइडेंटिफायर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे मेरे सिंबल टेबल्स में सेव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सो दैट हमको उनको लेटर जो है वो यूज कर सकें। तो ये बेसिक सी कहानी है आपकी टोकनाइजेशन की, लेक्सिकल एनालिसिस की। पहला फेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। और दूसरा यहाँ पे काम आता है गिव एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा है, यहाँ पे हम कोई सिंटेक्स एरर की बात नहीं करें, कोई मीनिंग की बात नहीं करें, कोई लॉजिक की बात नहीं करें, सिंपल हमारे पास जो है एरर मैसेजेस कौन से आते हैं, लेक्सिकल से रिलेटेड। मतलब इसको हम बोलते हैं लेक्सिम, क्या बोलते हैं, लेक्सिम। जो ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट के तौर पे ले रहा है ना, ये सारे के सारे इसको बोलते हैं लेक्सिम, और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, टोकन्स में। तो यहाँ पे जैसे एक्सीडिंग लेंथ, एक्सीडिंग लेंथ का मतलब है आपने कोई वेरिएबल लिया और वेरिएबल का नाम ही इतना बड़ा ले लिया, या फंक्शन का नाम इतना बड़ा डिफाइन कर दिया, एक्सीडिंग लेंथ, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सीडिंग लेंथ। या फिर आपने कोई वैल्यू भी साइन की, जैसे इंट ए इज इक्वल टू, अब इंट आपको पता है 2 byte का है, उसमें वैल्यू इतनी बड़ी असाइन कर दी, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, वो एरर मैसेज शो कर देगा। अनमैच्ड स्ट्रिंग मतलब लेट्स से आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, या जैसे यहाँ पे सेमीकोलन के बाद आपने हैश लगा दिया, अरे ये कौन सी स्ट्रिंग आ गई बीच में, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इलीगल करेक्टर का यहाँ पे यूज किया है। या अगर हम बात करें अनमैच्ड स्ट्रिंग में, आपके पास आ जाता है लेट्स से मैंने यहाँ पे कमेंट को स्टार्ट किया, कमेंट को एंड नहीं किया, तो कमेंट को अगर एंड नहीं किया तो मींस इट इज अ काइंड ऑफ अनमैच्ड स्ट्रिंग। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द
मैसेजेस विच आर प्रिंटेड बाय द लेक्सिकल एनालिसिस ड्यूरिंग द एरर। देन हमारे पास आ जाता है एलिमिनेट। ये क्या एलिमिनेट करता है, जो मेरे कमेंट्स हैं उनको ये एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं करते टोकन्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें, टैब है, ब्लैंक स्पेस है, न्यू लाइन है, इनको सबको हटा देता है, इनको यहाँ से हटा के, और फिर ये टोकन्स को काउंट करता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि हाउ द टोकन्स आर एक्चुअली काउंटेड। तो बेसिक कहानी जो है, कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आ जाता है ना, तो आपको बेसिक कहानी पता लग गई कि बेसिक कहानी क्या है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली आता है कि टोकन्स में कन्वर्ट करो। तो देखो, टोकन्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो पहला टोकन मेरा क्या बन गया, इंट। फर्स्ट टोकन क्या है, इंट, ठीक है। दूसरा टोकन मेन, तीसरा ये, चौथा ये। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहला इंट बन गया, दूसरा टोकन मेरा मेन बन गया, तीसरा ओपन, चौथा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो चार हो गए यहाँ पे, देन फिफ्थ मेरा ये वाला बन गया। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया ना, ये तो हट ही जाएगा, दिस इज व्हाट अ कमेंट, तो कमेंट तो यहाँ पे निगलेक्ट कर दो। उसके बाद मेरा सिक्स ये बन गया, सेवन्थ ये, एट्थ ये, नाइन्थ ये वाला बन गया, फिर उसके बाद टेंथ ये वाला, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। तो यहाँ तक मेरे कितने बन गए, फोर्टीन। देखो फाइव तक यहाँ थे, उसके बाद इंट आया सिक्स, ए सेवन बन गया ये वाला, इक्वल टू एट वाला। उसके बाद ये मेरा 20 जो है वो 9, 20 वाला जो है वो 9th बन गया, फिर ये मेरा 10th बन गया। ये जो कॉमा बीच में लगाया, कॉमा भी तो सेपरेटर है ना, तो कॉमा। फिर उसके बाद बी आइडेंटिफायर है, अलग बन गया, फिर इक्वल टू 30, कांस्टेंट है, लिटरल है, अलग बन गया, फिर सेमीकोलन, सेपरेटर है, अलग बन गया, तो 14 बन गए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया इफ, दैट इज व्हाट, 15th, फिर 16, 17, 18, 19, 20। गेटिंग द पॉइंट? फिर 21 मेरा रिटर्न हो गया, 22, 23, 24, 25, गेटिंग द पॉइंट? तो 25 मेरा यहाँ तक बन गया, फिर 26, 27, 28, 9, 30, 31 एंड 32। तो ये मेरे टोटल कितने बन गए यहाँ पे, 32 टोकन्स जो है वो, इनको आप चाहे इस तरीके से शो कर दो, टोकन्स आपको जस्ट काउंट ही करने हैं, जिस मर्जी तरीके से आप काउंट कर लो, आपको आइडिया जो है वो पता लग ही गया। तो जो आइडेंटिफायर है वो उसमें चले गए, जो सेपरेटर है, कीवर्ड है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको डिवाइड कर देगा। तो ये टोटल जो है 32 आ गया। ऐसे ही लेट से एक और क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यही सेम क्वेश्चन ना गाइस 3 से 4 बार आया हुआ है। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, 3 से 4 बार आना मतलब कहीं ना कहीं टोकनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ जो है वो सबसे पहला टोकन बन गया, फिर मेरा यहाँ पे सेपरेटर आ गया ना, ब्रेसिस ऑन होगी, टू। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना गाइज, ये मेरे जो डबल यहाँ पे कॉलम हमने लगाया है, जो ये डबल कॉमास मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, तो डबल कॉमा के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना, कई बार स्टूडेंट इसको काउंट कर लेते हैं, नहीं इसको काउंट नहीं करना। डबल कॉमास के अंदर आपके पास जितने भी है ना, इस पूरे को हम एक काउंट करते हैं, इस पूरे को हम सिंगल काउंट करते हैं। मतलब हम लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के ऊपर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या बनती है, प्रिंट एफ पहला एक बन गया, फिर ये ओपन दूसरा, और ये जो डबल कॉमास के अंदर पूरे का पूरे को हम क्या कहते हैं, एक सिंगल टोकन जो है वो कंसीडर करना है। इसको अलग अलग काउंट मत कर लेना, अदरवाइज आंसर गलत। उसके बाद कॉमा आ गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। गेटिंग द पॉइंट? तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे, 10 टोकन्स यहाँ पे बन गए। तो ये बेसिक सा फंडा है लेक्सिकल एनालिसिस फेज का, और इसमें हम यूज करते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो, इसके अलावा छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, इसमें हम यूज करते हैं किसको, फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो चाहे आप DFA को यूज करो, चाहे NFA को यूज करो, दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द DFA एंड NFA, फाइनाइट ऑटोमेटा की एप्लीकेशन है कि वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो टोकन्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कई बार आपसे पूछ लेते हैं विच मशीन वो यूज, तो आप कह सकते हो कि DFA और NFA या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो आप सिंपली बोल सकते हो, कैन बी यूज फॉर डिफाइनिंग द टोकन्स। थैंक यू।